और मेरे साथ है नबील और इस वक्त हम ऑफिस की ब्रेक है उस वजह से खाना खाने आए होंगे हमें वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा था तो यहाँ नर्सरी के ऊपर एक बहुत ही फेमस बर्गर वाले जो इनका नाम क्या है नबील भाई थोड़ा नर्सरी वाला बर्गर ही मशहूर है ये नर्सरी वाला बर्गर अगर इसका मैं रास्ता बता चलूँ तो क्या शराय फैसल से आप आए ब्लू रिबन वाली गली में ब्लू रिबन बेकर्स की गली में आप अंदर आते हैं और वहाँ से लेफ्ट हो जाते हैं फर्नीचर मार्केट भी दिखाते हैं फर्नीचर मार्केट थोड़ा सा अगर मैं दिखाता चलूंगा ये इस तरीके से ये फर्नीचर मार्केट है और ये सामने आपके जो है आपकी दुकान नजर आ रही है और आवाम खड़ी हुई है भाई ऑर्डर दिए हुए गाड़ी में बैठे हुए बाहर खड़े हुए और खाई जा रहे हैं हालांकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है घर में रहो घर में खाओ घर में बनाओ लेकिन हम लोग जो है वो बस लेकिन ये बंद होने की वजह से हमें वहाँ भी ऑफिस में भी तो कुछ नहीं मिला है ये भी देखो तभी हम बाहर आ गए बाहर आ गए बेकरी से भी कुछ खा सकते थे बेकरी से भी और हमने एक जबरदस्त चीज और भी देखी हमने क्विक स्टार्ट का ऑफिस भी देखा हमारे साथ अमजद भाई इरफान भाई जैद भाई है जैद भाई ने हमें क्विक स्टार्ट का ऑफिस भी दिखाया जैद भाई बताएंगे कुछ बर्गर के बारे में जरा थोड़ा सा गाइड करेंगे कैसा बर्गर है ये क्यों इतना मशहूर है और क्यों आप कहते हैं कि ये खाना चाहिए बहुत अच्छा बर्गर है जब हमारे पास खाने का कोई ऑप्शन नहीं होता था तो हम यहाँ पे आते थे और बेहतरीन बर्गर है चपली चिकन में भी है और बीफ में भी और मैं देख रहा हूँ बिल्कुल जोक दर जोक बना जा रहा है इतना ज्यादा इसका ऑर्डर लगा हुआ उनके पास जरा भी मतलब 5 मिनट बात करने का भी उनके पास टाइम नहीं और धड़ाधड़ वो बनाए जा रहे हैं इरफान भाई आपने भी खाया हुआ है कैसा टेस्ट आपको लग रहा था इसका टेस्ट अच्छा है बहुत अच्छा है और बेसिकली नॉर्मल बर्गर जो यहाँ पे मिलते हैं वो दाल के कबाब के होते हैं दाल के कबाब के यहाँ इनकी स्पेशलिटी जो है वो चपली कबाब चपली कम जगहों में मिलता है इसलिए फेमस है बहुत और अमजद भाई आप बताएं आपने भी खाया हुआ है तो आपको कौन सा बर्गर यहाँ का सबसे अच्छा लगता है मैं इसको पहले एक दफा खाया था अच्छा लगा था लेट्स सी अब यहाँ का कैसा लगता है बर्गर टीकू का बर्गर बहुत अच्छा लगा था तो आप वो हम नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे तो उसका भी एक दो अमजद भाई जो है ना वीडियो किसी और की बन रही हो दूसरे की तारीफ जरूर करनी है भाई ये एक बकवास है फजूल है हमारी आप कोई भी वीडियो उठा के देख ले चैनल पे आप चले जाए जावेद की नियारी खाई जाएंगे खाने जाएंगे जायद की अच्छी लगेगी जायद की खाने जाएंगे बिस्मिल्लाह की अच्छी लगेगी और आज हम बर्गर कोई और खाने आए नर्सरी का फेमस उनको टीकू का याद आ रहा है तो खैर चले कोई बात नहीं थैंक यू सर बहुत बहुत शुक्रिया इस वक्त हम लोगों ने जो ऑर्डर दिया वो है बीफ बर्गर का हमने चपली कबाब बर्गर का ऑर्डर दिया और हमने दिया किसका ऑर्डर दाल वाले बर्गर का तो लेट्स सी देखते हैं कैसा बर्गर मिलता है ठीक है नबील भाई फिर कुछ और वो आप बताना चाहिए सर हम खाते हैं इसको खा के फिर आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट रहा इसका इंशाल्लाह ओके सर थैंक यू कौन सा वाला बीफ सर बीफ है चपली कबाब बड़ा जबरदस्त है बेहतरीन टेस्ट है भाई मैं तो दाल वाला खा रहा हूं टेस्ट करने के बाद हमने फैसला किया कि हम एक और ट्राई करेंगे चिकन और मंगवा ली और मंगवा ली बहुत जबरदस्त इरफान भाई तो सभी स्टार्ट करते हैं या तो स्टार्ट करते हैं कभी फीडबैक लेते हैं ये हमने भी कहता था आप तो बीफ ट्राई कर रहे हो बहुत अच्छा बेहतरीन रेड चिकन खा रहे हो यार कैसा लगा बेहतरीन हो गया ना पहले हमने ट्राई किया दाल फिर हमने ट्राई किया बीफ अब हम ट्राई कर रहे हैं चिकन और चिकन भी भाई आला डिलीशियस जी नबील भाई कैसा लगा चिकन आपको सर मजे का बहुत आप लोगों ने खिलाया नहीं मेरे लिए मंगाया नहीं मुझे देखने को मिला था अच्छा ठीक है अच्छा रिकमेंड करेंगे सर दूसरों को सर आना चाहिए लाल में आए भाई लाल में जो लोग स्पेशली जाने पैसे पर जॉब करते हैं वो लाल में यहाँ पर आए और अच्छा सस्ता और टिकाऊ खाना खा के इरफान भाई आप क्या कहेंगे मुझे तो बहुत अच्छा है मैं तो बीफ ट्राई किया लेकिन बीफ भी बहुत अच्छा है बाकी आपको कहीं रेस्टोरेंट जी अमजद भाई बहुत मजे का।